से हमने पहले ही बातचीत करके अंदर हम आए थे, लेकिन अभी उनका लगेज कलेक्ट नहीं हुआ है, तो अभी यहीं पे हमें गाड़ी थोड़ी देर रखनी पड़ेगी। हमारे साथ सफर करके कैसा लगा? देन हेलो, कैसे हो आप लोग? तो आपको हमारे साथ सफर करके कैसा लगा मैम? तो दोस्तों, फिलहाल राइडर को ड्रॉप करके निकल आए हैं हम वहाँ से। अभी हम चल रहे हैं सीधा नीचे की तरफ, और मौसम बड़ा बेहतरीन हो रहा है, ये देख रहे हैं इतना ठंडा जबरदस्त भाई, ये फॉगी फॉगी मौसम हो रहा है। और गाड़ी आई हमने साइड में, हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:10 और डेट हो गई है 8 नवंबर हो गई है। जैसे कि रात को आपने देखा था कि हम आ गए थे नटराज चौक ऋषिकेश पे, यहीं पे अपनी गाड़ी लगा रखी थी। ये देखो इस टाइप का कुछ एरिया है, ये है ऋषिकेश का डिपो, तो यहीं पर गाड़ी लगाई थी। ये अपनी गाड़ी खड़ी है, बिल्कुल गाड़ी कर ली है चकाचक, और हम भी हो गए हैं बिल्कुल चकाचक रेडी। अभी बुकिंग भी हमें इधर से मिल चुकी है। जो बुकिंग मिली है ना, वो ज़्यादातर आपको पता ही होगा सवारी एप्लीकेशन से ही बुकिंग हमें मिलती है, तो सवारी ऐप से ही हमने बुकिंग उठाई है अभी। और जो बुकिंग रहने वाली है वो है लगभग 11 बजे की। अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं सुबह के, और रात में यहीं पे सोए थे। देखो ये लगा के अपना, इससे ये बेनिफिट रहता है ना कि सुबह जल्दी हमें नहीं उठना पड़ता है, दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि धूप आती है ना, तो इससे धूप नहीं आएगी अंदर। तो गाड़ी भी अपनी बिल्कुल चकाचक कर ली है, कपड़ा वपड़ा मार लिया है, वैसे तो साफ थी, ज़्यादा गंदी थी नहीं। तो दोस्तों अभी यहाँ से हम निकलते हैं थोड़ी सी देर में, जैसे हमारे पास डिटेल आ जाएगी, क्योंकि अभी जो हमने बुकिंग उठाई है ना, ये उठाई है संचालक एप्लीकेशन से सवारी एप्लीकेशन की बुकिंग, समझ रहे हो ना, संचालक एप्लीकेशन से सवारी एप्लीकेशन की बुकिंग हमने उठाई है। तो अभी जैसे ही डिटेल हमारी आती है, मतलब हमारी डिटेल एप्लीकेशन में ऐड होती है, वैसे ही कस्टमर से कॉल करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। और यहाँ पर देखो ये जो कुछ चाय की दुकान वगैरह है ना, तो यहीं पे अभी थोड़ा बहुत देखेंगे, कुछ जो भी मिल जाएगा तो हल्का पूरा कुछ कर लेंगे। फिलहाल ज़्यादा इच्छा तो है नहीं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, तो सुबह सुबह ऐसी कुछ इच्छा होती नहीं है। तो चलिए जी, आज का अपना ब्लॉग करते हैं स्टार्ट नटराज चौक से, और बढ़ते हैं आगे। फुल डे की जर्नी आपको दिखाते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे का कुछ। तो अभी आए हैं हमारे एक जितेंद्र जी हमसे मिलने, कर्जा मांगने। ये देखिए सामने उनकी गाड़ी खड़ी है, लेकिन हम इनको कर्जा देने के नहीं। ना ना, चाय आए पिलवा तो बता। अरे पैसा नहीं है भाई, पैसा अगर होता तो फिर क्या दिक्कत थी। शहजाद फ़ोन कर रहा है पता नहीं क्यों। ये हैं जितेंद्र जी, हेलो। पैसे दे रहा है? ना ना, चाय आए पिलवा रहा तो होता। देख शहजाद का फोन आ रहा है, चल चल ठीक है पहुंच। तो भाई चाय के लिए पैसे दे गया जितेंद्र भाई, अभी चाय पीते हैं। तो दोस्तों फिलहाल जितेंद्र भाई तो चले गए हैं 10 रुपये दे के चाय पीने के लिए। भाई इसमें बुरा मत मानना, यारी दोस्ती में ये मजाक मस्ती चलती रहती है, ऐसा 10 रुपये के लिए कोई भूखा नहीं है, लेकिन बस मजा मस्ती चलती है। तो फिलहाल वो चले गए, हम आ गए अपनी गाड़ी के पास और हो गए रेडी। देखो जूते वूते पहन के एकदम रेडी हो चुके हैं, अभी बस बाल काटने हैं और ये साफ़ सफाई करनी है। और डिटेल भी हमारे पास आ चुकी है सवारी एप्लीकेशन की, जो हमने बुकिंग उठाई है ना, तो ये जो रहने वाली है आप देखिए, ये है लक्ष्मण झूला द हाईलैंड करके होटल है कोई, और एयरपोर्ट पे ड्रॉप रहेगा, 11:15 का पिकअप है। तो अभी एक बार कस्टमर को कॉल भी कर लेंगे, पहले उससे पहले जो है ट्रिप को स्टार्ट कर लेते हैं भाई, समझ जाओ, पहले ट्रिप को स्टार्ट करते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं। सबसे मेन दिक्कत पता क्या, इसमें कैश कलेक्शन जो है 0 है भाई, ये तो बड़ा लफड़ा है। चलो पहले एक बार बंदे से बात करते हैं जिसकी हमने बुकिंग उठाई है, क्योंकि भाई अगले ने तो हमसे कमीशन ले लिया और कैश कलेक्शन है 0, समझ रहे हो ना। तो पहले एक बार बात करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे, पहले पैसे डलवाएंगे भाई अपने पास। तो दोस्तों देख रहे हो मार्केट में ऐसे ऐसे बंदे बैठे हैं भाई, अभी बात हुई है बंदे से, कह रहा आप पिकअप करो, पिकअप करते ही मैं आपका पेमेंट डाल दूंगा। जब आपको डालना ही है तो मतलब क्या ही बोलूँ, अपना कमीशन नहीं छोड़ने का भाई, अपना कमीशन चाहिए पहले एडवांस में, ठीक है,
और हमारा पेमेंट मिले चाहे ना मिले बाढ़ में जाए तो, लेकिन अभी देखते हैं भाई, पिकअप करते ही पेमेंट पहले पूरा डलवा लूँगा क्योंकि मैं तो भाई जानता नहीं, सीधी बात है। चलो कोई नहीं, अभी इस पर फ़ोटो वगैरह मांग रहा है, ट्रिप करते हैं स्टार्ट। पहले सारे फ़ोटो वगैरह अपलोड करते हैं और उसके बाद, एक तो शकल ऐसी हो रही है। चलो कोई नहीं, मोबाइल भी गंदा हो रहा है। तो एक एक करके पहले सारे फ़ोटो डालते हैं, ट्रिप स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको रास्ते में यहाँ से निकलने के बाद। अभी अपने वन वे की बुकिंग है, अभी उधर से भी देखना पड़ेगा क्योंकि भाई पूरे दिन का काम चाहिए, तो तभी हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमारी एक दो छुट्टी हो चुकी हैं, तो भाई वो नहीं करना है, काम करना है बराबर। अभी पहले तो इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो सवारी वाला जो है ना नेक देर में पेनल्टी मार देगा भाई, उसको समझ नहीं आएगा ये क्या लगा है, समझ रहे हो। एक तो पहले गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं, 5 मिनट स्टार्ट खड़ी रहेगी ना तो थोड़ा इंजन गर्म हो जाएगा, बढ़िया है। जब गाड़ी में सोना होता है ना तो गाड़ी में भाई बहुत कुछ हो जाता है, छोटा मोटा सामान धीरे धीरे वो सब साफ करना पड़ता है। चलो जी, आ गई सारी लाइट, हो गई गाड़ी स्टार्ट। अभी सीएनजी हमारे में फ़िलहाल इतनी है, अब यहाँ से अभी जाएंगे तपोवन से पिकअप है तो उधर ही रास्ते में एक जगह भरा लेंगे। चलो जी, अब डालते हैं गाड़ी का फोटो, अपना तो हो गया, अब गाड़ी का डालते हैं, फिर ये अंदर के डालने पड़ेंगे। अभी ये जो कचड़ा है अंदर रख दिया, अभी अंदर से पीछे डालना पड़ेगा। चलो ट्रिप स्टार्ट करके मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो दोस्तों फिलहाल ट्रिप तो स्टार्ट कर ली है, अभी कस्टमर की जो लोकेशन दिखा रहा है 19 मिनट दिखा रहा है 10:40 में पहुँचने का। अभी फ़िलहाल यहाँ से हम गाड़ी निकाल लेते हैं और देखते हैं यहाँ कहीं चाय वगैरह मिल जाती है तो कुछ एक चाय और नमकीन कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं और फिर यहाँ से निकल जाते हैं सीधे पिकअप की तरफ। फिर रास्ते में सीएनजी भी भरवानी है और 11:15 का टाइम हमें मिला है तो 11:15 पे तो बड़े आराम से पहुँच जाएंगे भाई, कोई दिक्कत होने की नहीं। अभी यह है कि जितना जल्दी निकल जाएंगे उतना ज़्यादा बढ़िया, उधर से वापसी की कोई बुकिंग भी लेके आ जाएंगे। अभी ये चालू हाईवे है, चलो जी पहले एक चाय पीते हैं। ये है मेन नटराज चौक, यहीं पे गाड़ी अपनी ज़्यादातर जो टैक्सी वाले हैं ना, जो बाहर के भी हैं लोकल के भी, यहीं पे लगाते हैं। उसका रीज़न पता क्या है, यहाँ पे स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है भाई, स्पेस बहुत है और काफ़ी मैकेनिक वगैरह भी हैं यहाँ पे। तो ये जो सामने आपको एक दुकान दिख रही होगी छोटी सी, इसी पर चाय पीते हैं क्योंकि इन अंकल जी की चाय थोड़ी ठीक ठाक सी है। और फिर बस और कुछ नहीं करना है, सीएनजी तो भराएंगे तो भरा लेंगे, नहीं भी भराएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ चाय पी लेते हैं और चलते हैं फिर उसके बाद। चलो जी, तो दोस्तों फ़िलहाल चाय वगैरह पी के तो वहाँ से निकल आए हैं, अभी हम सीधा चल रहे हैं पिकअप की तरफ। अभी उसके सामने देखो भाई क्या मस्त पहाड़ दिख रहे हैं, बस फॉग की वजह से जो है ना उतना क्लियर नहीं दिख रहे हैं। और ये साइड में जो आपको नदी दिख रही होगी ना, ये देखो ये है, ज़्यादातर नदी सूखी रहती है लेकिन एक साल यहाँ पे ऐसी बाढ़ आई थी भाई, ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ना ट्रक, एक ट्रक तो समझ लो अभी तक इसमें गड़ा था, अब जाके निकला है। तो ऐसे लोग गाड़ियाँ जब खड़ी कर देते हैं ना तो भाई कई बार नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अभी इस जगह का नाम है गंगा वाटिका ढाल बाला, तो अभी चलते हैं सीधे और करते हैं तपोवन से पिकअप। क्या मस्त व्यू आ रहा है, देख रहे हो ना भाई, ऋषिकेश में एक तो है, खैर हरिद्वार, मतलब दोनों देखो अपनी अपनी जगह हैं, जो ऋषिकेश का मज़ा है वो हरिद्वार में नहीं है और जो हरिद्वार का मज़ा है वो ऋषिकेश में नहीं है, बेहतरीन है दोनों भाई, देव भूमि है तो आपको पता ही है, भगवान का घर है यहाँ पे भाई, एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है, अलग ही अनुभव आता है, बस थोड़ा सा जो है ना ट्रैफिक मार लेता है बस, और कुछ नहीं है। और दोस्तों केदारनाथ के कपाट हो चुके हैं बंद, तो अभी भीड़ भाड़ भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि जब चार धाम यात्रा चलती है तो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन चार धाम यात्रा बंद हो जाती है तो फ़र्क पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऋषिकेश का काम ख़त्म हो जाए, ऋषिकेश का काम अपनी जगह चलता रहता है थोड़ा थोड़ा सा। तो चलो जी अभी बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर है SDRF का ऑफिस, जो कि कोई पानी में डूब रहा हो या कुछ आपातकालीन सहायता के लिए ये लोग जाते हैं, ये देख रहे हो ना SDRF यहीं से जाते हैं।
सामने आ गया पहाड़ का एरिया, एक सीएनजी पंप भी अभी राइट में आएगा तो सीएनजी डलवा ही लेते हैं थोड़ी सी, या छोड़ो मुजफ्फरनगर ही भरवाएंगे, अभी अपने में इतनी है, क्यों उत्तराखंड से महंगी डलवाना, यूपी से डलवाएंगे ना वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डलवा लेंगे, क्योंकि सीएनजी की कोई दिक्कत है नहीं, सीएनजी पूरे रूट पे ही है, अगर पूरी तरह से कहीं ख़त्म होती दिखाई देगी ना तो हाल के हाल वहीं पर भरवा लेंगे। तो दोस्तों फिलहाल टाइम हो रहा है 10:49 और हम पहुंच गए हैं फाइनली तपोवन, ये एरिया है तपोवन का, अभी यहाँ से नीचे राइट हम लेंगे तो राइट में हम चले जाएंगे सीधे लक्ष्मण झूला वाली पार्किंग वाली साइड, अभी उधर से ही हमारा पिकअप है तो वहाँ देखना पड़ेगा जो होटल है वहाँ तक गाड़ी पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, तो वही देखना पड़ेगा अभी, तो क्योंकि अगर नहीं पहुँची तो वही पार्किंग कटानी पड़ेगी, और पार्किंग जो है उसकी काफ़ी महंगी है, लगभग 100 रुपये की पार्किंग है, और तो वो तो भाई हम अपनी जेब से तो भाई देने के नहीं, अगर राइडर तैयार हो जाएंगे तो पार्किंग में लगाऊंगा, नहीं तो गाड़ी घुमा के आ जाऊंगा वापस ऊपर, और जब वो रेडी हो जाएंगे तब उसके बाद जाऊंगा नीचे। तो ये जो रास्ता जा रहा है ना ये है नीचे लक्ष्मण झूला वाला रास्ता, तो यहीं से अभी हम गाड़ी नीचे की तरफ उतारते हैं। चलो जी नीचे आ गए, ये देख रहे हो ये रोड है मेन लक्ष्मण झूला वाला, जो कि अभी लक्ष्मण झूला बंद होने की वजह से जो है ना उतना ज़्यादा इधर ट्रैफिक है नहीं, भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फॉरेनर वगैरह ज़्यादातर जो है इधर ही आते हैं। चलो जी कर लेते हैं पिकअप, पहुँचते हैं पहले होटल पे, दिखाते हैं आपका होटल का व्यू कैसा है और पार्किंग मिलती है कि नहीं, वो भी कुछ हॉली लैंड करके होटल का नाम है, तो पहले एक बार देख लेते हैं फिर करते हैं पिकअप। तो दोस्तों फिलहाल पिकअप लोकेशन पे तो पहुंच गए हैं, ये जो आपको मेरे लेफ्ट में होटल दिखाई दे रहा होगा इसी होटल से पिकअप है, और ये राइट में जो है ये जा रहा है लक्ष्मण झूला का रास्ता, यहाँ से पैदल जा सकते हैं बाइक से जा सकते हैं, तो लक्ष्मण झूला का रास्ता है, फिलहाल लक्ष्मण झूला चल रहा है बंद, अभी दिक्कत यही है कि यहाँ पे पार्किंग वगैरह तो कुछ ऐसी है नहीं राइडर की पर्सनल मतलब होटल की, तो राइडर को एक बार कॉल करते हैं उसके बाद देखते हैं वो कितनी क्या देर में रेडी होंगे, वैसे तो 11:15 का बात हुई थी हमारी और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11:08 कम है, चलो कोई नहीं जल्दी आ गए तो क्या हुआ, जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा नीचे से गाड़ी घुमा लाएंगे, वैसे तो अभी पीछे भी रास्ता पूरा क्लीन है तो देखते हैं या तो फिर यहीं पर कहीं गाड़ी खड़ी कर लेंगे। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 2:10 और अभी हम रुके थे मामा यादव पे, फिलहाल अपना खाना पीना तो हो गया है, कॉफ़ी लेके आ गए बाहर, अभी इस टाइप की कुछ भीड़ है, गाड़ी अपनी साइड में लगा दी, अभी राइडर अंदर है, राइडर का वेट कर रहे हैं, जैसे ही राइडर आ जाएंगे थोड़ी सी देर में फिर यहाँ से निकलेंगे। ये रहा मैन मामा यादव, अभी यहाँ से लगभग दिल्ली पहुँचने का वही 2-2.5 घंटे और लगेगा, तो क्योंकि आज रोड पर ज़्यादा जो है ना ट्रैफिक है नहीं, तो अभी जैसे ही राइडर आ जाएंगे फिर यहाँ से निकलते हैं, फिलहाल कर लेते हैं कॉफ़ी फिनिश। तो दोस्तों फिलहाल खाना पीना करके तो आ गए हैं बाहर, कॉफ़ी हो गई है फिनिश और मिल गई है हमें इनाम फाइनली, जो कि हर दीपावली पे ढाबों से जो मिलती है ना भाई वो मिल चुकी है, फिलहाल अभी यहाँ से मिली है जो हमें वो मिली है जैकेट ब्लैक कलर की, तो चलो भाई सर्दियों का जुगाड़ हो गया फिलहाल बढ़िया से, इस बार थोड़ा सा ना मामा यादव ने लेट दिया है, बट इनका इनाम ये रहता है थोड़ा काम का रहता है जब भी मिलता है, पिछली बार तो खैर दिया ही था बेहतरीन दिया था, तो चलो अभी इस टाइप की कुछ भीड़ है, अभी राइडर का करते हैं इंतज़ार बैठ के, तब तक कर लेते हैं अपना कुछ काम मतलब बुकिंग ढूंढ लेते हैं भाई अगर कोई मिल जाती है तो, क्योंकि अभी उधर से अभी तो काम देखना है ना, आज वैसे फ्राइडे है तो निकल सकता है काम लेकिन थोड़ा सा लेट का निकलेगा, अभी देखते हैं कब तक निकलेगा क्या है, फिलहाल तो भाई मौज आ गई जैकेट मिल चुकी है भाई, चलो जी इंतज़ार करते हैं राइडर का। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 4:29, गाड़ी हमारी चल गई है 270 किलोमीटर, फाइनली ड्रॉप हमारा हो गया है अभी, और जो हमें टाइम लगा है लगभग 5.5 घंटे का टाइम लगा है, अभी हम हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे, अभी टर्मिनल 3 से सीधे बाहर निकल रहे भाई, अभी जो ट्रैफिक है ना काफ़ी ट्रैफिक है पता नहीं क्यों इस टाइम, अभी ये काफ़ी सवारियां भी खड़ी हैं हाथ दे रही हैं लेकिन हमें सवारियों को बैठाना नहीं है, एयरपोर्ट पे भी मतलब कुछ लोगों को ओवरटेक करने में भाई इतनी जल्दबाजी है पता नहीं उड़ा के कहाँ ले जाएंगे,
गाड़ी क्यों चला रहे हो, हवाई जहाज चला लो। देख रहे हो ना इस भाई को जल्दबाजी। तो ये है फिलहाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी यहाँ से हम सीधे चल रहे हैं, गाड़ी लगाएंगे टर्मिनल वन पे, क्योंकि अभी हम घर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि रास्ते में भाई ट्रैफिक से हालत ख़राब हो रखी थी। अभी घर पे जाएंगे भी तो भी ट्रैफिक मिलना है, थोड़ा रुक के जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर इधर से कोई बुकिंग मिल जाएगी तो बुकिंग हम ले लेंगे। फिलहाल इन राइडर के साथ जो हमारा सफ़र गया है ना भाई, ठीक ठाक गया, एक एवरेज। मतलब कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि पता ही नहीं चलता उनके साथ कि वो गाड़ी में है नहीं है, वो बोरिंग सा फील होता है मतलब उनके साथ ना। बट चलो खैर, हमें क्या ही करना, अपना काम करना है बस, किसी के बर्ताव से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बोलेंगे बतलाएंगे तो अच्छा है, नहीं बोलेंगे बतलाएंगे तो भी अच्छा है। फिलहाल चलते हैं, लगाते हैं गाड़ी टर्मिनल वन पे। लगाने को तो मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ T2 T3 पार्किंग में, लेकिन मुझे पता नहीं कि शुरू से जब भी मैं एयरपोर्ट पे गाड़ी लगाता हूँ ना, तो मुझे टर्मिनल वन ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है मतलब ऐसा कोई परेशान करने वाला ज़्यादा होता नहीं है। कभी कभार होते हैं तो फिर गाड़ी कहीं और लगा लेते हैं, नहीं तो ये टाइम जो है ना अब 4:30 बज रहे हैं, समझ लो शाम का टाइम है ना, तो शाम के टाइम इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो चलो चलते हैं फटाफट से वहीं पे गाड़ी लगाते हैं, बाकी की अपडेट आपको बताते हैं वहाँ पहुँच के। ओके बाय। तो दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हैं टर्मिनल वन पे। गाड़ियाँ देख रहे हो भाई, ओला उबर की कितनी गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल काम है ही नहीं। ओला उबर में देख रहे हो ना कितनी गाड़ी भाई, इतनी गाड़ी जब टर्मिनल वन पे है तो सोचो 2 पे कितनी होगी, 3 पे कितनी होगी, और टोटल मिला के सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट पे कितनी गाड़ी फ्री खड़ी होगी, समझ रहे हो ना। पार्किंग का और रोडों का तो मतलब जो बाहर रोडों पे चल रही होंगी उनका तो छोड़ ही दो। तो अब सोचो इस हिसाब से ओला उबर में काम कहाँ से निकलेगा भाई। देखो लेफ्ट राइट दोनों साइड गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं। चलो हम भी अपनी कहीं गाड़ी लगा लेते हैं सही सी जगह पे, और यहाँ पे करते हैं रेस्ट थोड़ी देर। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 6:50, और यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने का हमारा एक बेनिफिट हुआ, पता क्या, कि हमें फाइनली यहाँ से बुकिंग एक मिल चुकी है। अभी वो जो बुकिंग मिली है वो यहीं एयरपोर्ट से ही है, रात के 1 बजे की। अभी वो कहाँ से मिली, कैसे मिली, क्या अमाउंट है और कितने की बुकिंग है और ड्रॉप कहाँ है, वो सारा कुछ आपको पता चलेगा बाद में। फ़िलहाल तो अपनी गाड़ी यहीं पर लगा रखी है, अभी कुछ खाना ना खा पी के, और फिर उसके बाद यहीं पर रेस्ट करेंगे। अब ये देखो बेनिफिट हुआ ना यहाँ पर गाड़ी लगाने का। तो कई बार दोस्तों मेहनत बेकार नहीं जाती है, जैसे कि आज हुआ। देखो अपना दो काम हो गए, एक तो वीडियो भी एडिट हो गई, वीडियो फ़िलहाल पोस्ट कर दी है, आ जाएगी। अभी यहाँ पड़े पड़े बस यही कर रहा था, अपनी कोशिश ये थी कि देखो ये वीडियो है ना तो ये डाल दी थी, सोचा था कि एक वीडियो और एडिट करेंगे, तो वो फ़िलहाल हमारे ऊपर वाले ने सुन लिया कि भाई बुकिंग जो है हमें यहाँ से मिल गई, तो अभी लेट के बस यही करेंगे, एक वीडियो और एडिट करेंगे। फ़िलहाल आगे चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी में रेस्ट करेंगे। तो दोस्तों फ़िलहाल खाना पीना तो अपना कर लिया है कंप्लीट, और अभी टाइम हो रहा है 7:20। अभी आज देखो हमने ये सीट फोल्ड नहीं करी है, आज ऐसे ही अपनी सोने की तैयारी हो गई है भाई, क्योंकि अभी 3-4 घंटे हमें काटने हैं, ज़्यादा तो काटना नहीं है, क्योंकि आप समझ लो 7:30 तो बज गए लगभग। अभी 8-8:30 के आसपास मैं सोऊंगा, 3-3.5 घंटे करीब सोना है। चलो पंखा चला लेते हैं पहले, तो बस चलिए फिर मिलते हैं आपको 1 बजे के टाइम पे। फिलहाल अभी कस्टमर से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन कंपनी ने बोला है कोई दिक्कत नहीं है, बुकिंग कंफर्म है। अभी ये आज हमने पहली बार किसी नई कंपनी से बुकिंग उठाई है, अभी किस कंपनी से उठाई है वो आपको पता चलेगा बाद में। तो चलिए अभी के लिए गुड नाइट। तो दोस्तों अभी रात के 1 बज चुके हैं और फिलहाल हम हो गए रेडी। अभी राइडर का भी कॉल आ गया है, अभी मैं आया था यहाँ पर चाय पीने और पानी लेने, तो वो फिलहाल ले लिया, गाड़ी अपनी उधर ही खड़ी है। अभी चलते हैं सीधे करते हैं राइडर को पिकअप। चलो जी उस्ताद थोड़ी आगे पीछे ले लियो, निकालना ये। अभी दोस्तों जिस जगह पे हमारी गाड़ी खड़ी थी, वैसे तो हम वहीं से गाड़ी थोड़ा सा रॉन्ग साइड ले जाके जा सकते थे, लेकिन अभी क्या है थोड़ा चेंजेस हो गया। पहले जैसे आपने देखा होगा हम गोल चक्कर से जो है लेफ्ट लेते थे ना, तो सीधे अंदर एंटर कर जाते थे, लेकिन अभी वहाँ से एंट्री मतलब कुछ काम चल रहा है, और ड्राइवर भाइयों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया है कि कुछ काम चल रहा है, तो इसकी वजह से एंट्री जो है अभी दूसरी साइड से हो रही है, तो इसलिए अभी हम T1 से पिकअप करेंगे तो दूसरी साइड से आना पड़ेगा। जैसे कि मेन रोड से हम आ रहे हैं ना, तो इसी से सामने जो बोर्ड लगा है
सी से हमें एंटर करना पड़ेगा अभी, मैं भी ज़्यादा नहीं पता क्योंकि जब से ये चेंज हुआ है आज काफ़ी दिन बाद आया हूँ ना एयरपोर्ट से पिकअप करने, तो थोड़ा आइडिया कम है। तो भाई चलो पहले पता कर लेते हैं कि पर्ची जो है कैश में कटेगी या फास्टैग से कटेगा, पता नहीं क्योंकि टर्मिनल 3 पे तो फास्टैग से कटता है ना और टर्मिनल 2 पे कैश में कटता है, अभी यहाँ का क्या है पता नहीं। चलो जी पता करते हैं और चलते हैं पिकअप करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल अंदर आ चुके हैं और अभी सामने जो आपको दिख रहा होगा यही है टर्मिनल 1। अभी पिकअप करने के लिए भाई इधर से ही है, लेकिन पर्ची कहाँ से कटेगी वो देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है जी, ठीक है समझ आ गया भाई। ये देखो सामने जो है ना निजी वाहन व्यवसायिक वाहन, तो यहाँ से अभी हमें स्लिप कटवानी पड़ेगी कैश में। तो चलो कैश में कटवा लेते हैं स्लिप और फिर यहाँ से निकलते हैं। सामने जो भाई साहब बैठे हैं ना यही काटेंगे, इसके आगे वाले जो हैं। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं T1 के अंदर, अभी राइडर को ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। देखो पूरा खाली पड़ा है और यही T3 होता ना तो भाई यहाँ पे इतना ट्रैफिक लगा होता कि हालत ख़राब हो जाती है। अभी एक बार राइडर को कॉल कर लेते हैं। देखो इस टाइप की कुछ एंट्रेंस है अंदर गेट की। चलो जी करते हैं राइडर को कॉल और ढूंढते हैं और करते हैं पिकअप, निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टॉपेज पर पहुँचने के बाद जहाँ भी रुकेंगे वहाँ पर। तो दोस्तों फिलहाल हो गई है एक छोटी सी प्रॉब्लम, कस्टमर से हमने पहले ही बातचीत करके अंदर हम आए थे लेकिन अभी उनका लगेज कलेक्ट नहीं हुआ है, तो अभी यहीं पे हमें गाड़ी थोड़ी देर रखनी पड़ेगी। अभी पता नहीं कि कितनी क्या देर होने लगती है, तो क्योंकि यहाँ पे जो पार्किंग वैलिड होती है ना वो सिर्फ 8 मिनट के लिए वैलिड होती है। तो फिलहाल गाड़ी तो अपनी लगा ली है, अभी भीड़ ज़्यादा है नहीं तो शायद कोई कुछ ना कहे, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं पता। तो जैसे वो आते हैं तब देखते हैं कितनी क्या देर रहती है और क्या पेनल्टी लगती है, भाई कुछ आइडिया नहीं है। तो ये चीज़ बिल्कुल विशेष ध्यान रखो कि अगर अंदर से पिकअप करवा रहे हो ना आप कोई भी, तो 8 मिनट का टाइम वैलिड होता है भाई, तो ये चीज़ ध्यान रखो। अभी ये सामने मुझे लग रहा है ओला उबर में जो है कुछ पंगा हो रखा है, देखो यहाँ पर भीड़ लग रही है ना। अभी हमसे तो काफ़ी दूर हैं तो समझ नहीं आएगा, तो चलो कोई नहीं इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कितनी देर में आएगा कस्टमर। फ़िलहाल हम जो यहाँ पर खड़े हैं ये है, ये देखो सामने है 8 नंबर पिलर, तो पिलर नंबर 8 के सामने खड़े हैं फिलहाल। गाड़ी अपनी चकाचक हो रखी है, वेट करते हैं राइडर का और फिर निकलते हैं थोड़ी सी देर में। जो कुछ भी कंडीशन होगी वो आपको थोड़ी देर में अपडेट हम करेंगे। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 3:06 और अभी हम पहुँच गए हैं मामा यादव शिवा ढाबा पे। अभी ये है स्टाफ रूम जो इस टाइप का है, कुछ ज़्यादा भीड़ भाड़ है नहीं। अभी अपना पराठा ऑर्डर कर दिया, थोड़ी देर में आ रहा है। ला रहे हो उस्ताद जी पराठा? चलो भाई अभी आता फिर खा के निकलते हैं थोड़ी सी देर में। तो दोस्तों फिलहाल आ चुका है अपना पराठा, अभी इस पे लगा लेते हैं मक्खन और करते हैं फिनिश फटाफट से और फिर चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं एक चाय या कॉफ़ी लेके। फिलहाल एक चाय तो मंगा ली है, अभी इसके साथ एक खा लेते हैं पी लेते हैं, उसके बाद एक कॉफ़ी लेके सीधा बाहर। तो दोस्तों फिलहाल पराठा खा के और चाय पी के हो गए हैं रेडी और एक कॉफ़ी लेके आ गए बाहर। अभी देखो यहाँ पे भीड़ जो है ना छोटी गाड़ियों की उतनी ज़्यादा नहीं है, बसें तो अभी काफ़ी खड़ी थी लेकिन वो भी चली गई हैं। अभी तो जब हम आए थे ना तब काफ़ी बसें खड़ी थी। तो चलो अभी अपनी कॉफ़ी फिनिश करते हैं और जैसे राइडर आ जाएंगे फिर थोड़ी सी देर में निकलते हैं। अभी देखो पूरा ये खाली पड़ा है, इस हिसाब से लग रहा है कि भाई काम की कंडीशन जो है ना आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना क्या निकल रहा होगा। तो ऐसा ही है जी, चलो अभी म्यूजिक बज रहा है ज़्यादा तो बाहर वीडियो नहीं बनाएंगे सॉरी, हो सकता है कि कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, सामने दुकान पर बज रहा है ना। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 6:47 और फाइनली हम पहुँच गए हैं मसूरी। अभी मसूरी का व्यू चेकआउट करो, मस्त लग रहा है ना भाई। ये है नीचे का व्यू, अभी फॉगी फॉगी हो रखा है थोड़ा सा, पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पे वैसे होता नहीं है इतना मौसम, लेकिन मौसम बड़ा बेहतरीन हो रहा है भाई। अभी हम रुके हैं एक लोकेशन पे क्योंकि राइडर को लेने थे यहाँ पे फ़ोटो वगैरह, तो यहीं पे रुके हैं। वो गाड़ी अपनी खड़ी है उस साइड।
तो दोस्तों टाइम हो चुका है 7:42, गाड़ी हमारी चल गई है 310 किलोमीटर और फाइनली हम पहुंच गए हैं मसूरी। अभी आज के जो हमारे राइडर हैं उनसे हम इंट्रो करा देते हैं। सर कहाँ से हैं मैडम और उनको हमारे साथ सफ़र करके कैसा लगा? देन हेलो, हाय, कैसे हो आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो आपको हमारे साथ सफ़र करके कैसा लगा मैम? बहुत ज़्यादा मज़ा आया, व्यू तो एक नंबर से, और जो आपने ड्राइव किया मज़ा ही आ गया। अच्छा आप हमारे बारे में कुछ कहना चाहेंगे अगर और ऑडियंस हमारे साथ कोई आना चाहती है तो? सजेस्ट करूंगी कि इनके साथ आ जाना, मजा तो बहुत आएगा, बातें भी होगी, बहुत सारे खाने पे की प्लेसेस भी बता देंगे आपको। जी, तो अपने एक टूर तो आपने बता ही दिया हम लोग। जी जी, अच्छा ही है। तो आप मसूरी में फर्स्ट टाइम आए हैं? यस। तो चलिए अभी के लिए मैम को बोलते हैं बाय बाय और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टाइम। अभी ये दोस्तों यहीं मसूरी में हैं और अभी मैडम को ड्रॉप करने के बाद यहाँ से हम निकलते हैं सीधे देहरादून के लिए, क्योंकि यहाँ से अभी हमें कोई फ़िलहाल में बुकिंग नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैडम को छोड़ देते हैं और हम यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल राइडर को ड्रॉप करके निकल आए हैं हम वहाँ से। अभी हम चल रहे हैं सीधा नीचे की तरफ और जहाँ हमने ड्रॉप किया ना ये एरिया था पिक्चर पैलेस के पास में, ऊपर मतलब जो लंडोर वाला रास्ता आता है ना लाल टिब्बा। तो आज समझ लो भाई फर्स्ट टाइम हम आए हैं इतने ऊपर, नहीं तो इतने ऊपर कभी भी नहीं आए हैं। अभी ये जो रोड है मेरे ख्याल से वन वे है, लेकिन देखते हैं अभी नीचे जाके जाने देंगे कि नहीं, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है तो ऐसी कोई दिक्कत हो नहीं रही है। और भाई जो चढ़ाई मिली है ना वो इतनी गंदी मिली है, चलो देखते हैं। तो दोस्तों चढ़ाई आप देखो भाई, चढ़ाई इतनी मतलब खड़ी चढ़ाई है कि आज मैं फर्स्ट टाइम ऊपर आया हूँ अभी। और जो बनवे का सीन है ना, जो बोर्ड लग रहा था वो भाई से मैंने पूछा तो वो बता रहे कि वैसे तो बनवे ही है लेकिन सुबह सुबह इतनी दिक्कत नहीं होती। अभी देखो चढ़ाई पे जो ऊपर गाड़ी एक आ रही है ना, तो हिल एरिया में ये चीज़ देखनी चाहिए, अगर कोई भी गाड़ी ऊपर की तरफ आ रही है तो अपनी गाड़ी पहले ही रोक लो, क्योंकि चढ़ाई पर लोड ज़्यादा पड़ता है भाई। ढलान पर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम भी जब आए हैं ना तो हमारी भी हालत ख़राब हो गई है चढ़ाई पे। एक तो हमारी सीएनजी गाड़ी है आपको पता है, तो सीएनजी गाड़ी में भाई और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो चलो उतारते हैं गाड़ी, बस कोई आ ना रहा हो, अंधा मोड है ना। ये देखो भाई गजब अंधा मोड है बिल्कुल। चलो धीरे धीरे उतार लेते हैं, वैसे चढ़ाई जो है ना बड़ी गंदी है, बहुत ज़्यादा रिस्की है भाई हम लोगों के लिए, मतलब जो स्पेशली सीएनजी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है। चलो वीडियो तो बाद में बनाएंगे क्योंकि रोड जो है पतला है, पहले गाड़ी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 9:44 और जैसे कि उस टाइम आपने देखा था राइडर को ड्रॉप करने के बाद हम वहां से नीचे उतर रहे थे। अभी गाड़ी उस टाइम हमने लगा ली थी ऐसी मेन रोड पे, आपको दिखा दूं बाहर का नज़ारा कुछ इस टाइप का हो रहा है भाई। लेकिन मौसम जो है ना, मौसम बड़ा बेहतरीन हो रहा है, ये देख रहे हो ना पीछे, मतलब इतना ठंडा ज़बरदस्त भाई, ये फॉगी फॉगी मौसम हो रहा है। और गाड़ी यहीं हमने साइड में ऐसी जगह पे लगा ली थी क्योंकि हमें आ रही थी भाई उस टाइम जो है ना बड़ी गंदी वाली नींद, और उस टाइम तो मैं सो गया था। आँखें भी आप मेरी देख सकते हो हल्की हल्की रेड रेड सी दिख रही होंगी। तो गाड़ी यहाँ लगा के मैं सो गया था, जस्ट अभी सो के उठा हूँ, वो भी कब उठा पता, मेरे पास ऊबर में एक बुकिंग बजी थी, जैसे उसकी घंटी बजी, क्योंकि मोबाइल तो मेरा वैसे साइलेंट रहता, ऊबर में जैसी बुकिंग बजी तो वो बुकिंग मैंने एक्सेप्ट कर ली। अभी उसमें जो अमाउंट दिखा रहा था ना, अमाउंट इतना कम दिखा रहा था भाई। हाँ जी, जरा इसको बताना है कि ये कहाँ है, ये कह रहा ना कहाँ है यार। तो मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, मैं अभी दिल्ली से हूँ। मसूरी तो है? हाँ मसूरी है। हेलो, हाँ ये मसूरी में है भाई जी। मैं गाड़ी वाला बोल, जो पिक्चर पैलेस वाला रोड है ना ये उस साइड है। गाड़ी खड़ी है बोर्ड 11-12, बोलो बोलो। गाड़ी जाती नहीं, मतलब ये मेन रोड पे खड़े हैं ना, बिल्कुल मार्केट में थोड़ी है। ये जो है गाड़ी नंबर बता दो। हाँ कौन सी वाली गाड़ी है तुम्हारी? ये UK 10CA 11-12। हाँ ये गाड़ी खड़ी है, ठीक है ठीक है। हाँ भाई, हेलो, अब यकीन आ गया नहीं आया? आगे मत ले जाना, दिक्कत हो जाएगी। एक काम कर, तेरे पे वीडियो कॉलिंग है, मैं तेरे को वीडियो जो है दिखाता हूँ। अबे ड्राइवर में जान होनी चाहिए, नहीं गाड़ी में जान होनी चाहिए। हाँ भाई
तो भैया फिलहाल ऐसा है, इनकी गाड़ी खड़ी है मसूरी में और इनके यार दोस्त मान नहीं रहे हैं कि तू मसूरी गाड़ी कैसे ले गया, चढ़ा कैसे ले गया, तो ऐसा भी होता है। चलो कोई नहीं, फिलहाल दोस्तों इस ब्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं क्योंकि ये ब्लॉग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। अभी आगे की अपडेट जो भी रहेगी वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक करें और क्या पसंद आया या क्या आपको नहीं पसंद आया वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो कर लीजिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक न्यू डे और न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।